कृषि व पशुपालन मंत्री प्रोफेसर चंद्र कुमार ने कहा कि प्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार ने 680 करोड़ रुपए की राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के प्रथम चरण की शुरुआत की है। इस योजना से युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे। ये जानकारी उन्होंने शुक्रवार को ज्वाली विधानसभा के ज्वाली विश्राम गृह में उनसे मिलने पहुंचे युवाओं को संबोधित करते हुए दी। उन्होंने युवाओं से प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न विभागों के माध्यम से चलाई जा रही योजनाओं का लाभ लेकर स्वावलंबी बनने की आह्वान किया। बहुत अच्छे कार्यक्रम चला है और हम लोगों को उन कार्यक्रम के लिए आगे आना पड़ेगा। मैं अभी देख रहा था, मेरा अपना कृषि विभाग है, उसमें हमें लोनिंग के लिए भारत सरकार ने कम से कम 6,600 करोड़ रुपया नौजवानों को एम्प्लॉयमेंट के लिए, रोज़गार के लिए दिया था। तो मैं देख रहा था आंकड़े कि 2020 में सिर्फ 3 लोगों ने जो है वो लोन के लिए अप्लाई किया। 2021 में जब मैं देख रहा था आंकड़े तो सिर्फ 3 लोगों ने अप्लाई जो है वो अप्लाई किया, और जब 2023 का आंकड़ा मैं देख रहा था तो कुछ लोगों ने अप्लाई किया, और वो सारा पैसा जो है भारत सरकार का बैंकों के पास पड़ा है लोनिंग के लिए। अगर आपने एक सिंपल ब्याज जो है, अगर किसी बैंक से आप कर्जा लेते हो तो आपको 12% ब्याज देना पड़ता है, और किसी बैंक में आपको 11% देना पड़ता है, और जो पैसा कृषि विभाग का था उसमें सिर्फ 6% ब्याज देना था, वो भी आपको 2% जो है वो माफ़ कर देते हैं, सिर्फ 4% ब्याज देना पड़ता है। अभी मैंने अपने विभाग के सभी ऑफिसर को बुलाया था कि ये लगभग 550-600 करोड़ रुपया लोनिंग के लिए हिमाचल प्रदेश में पड़ा हुआ है, आपने क्या काम किया आज तक। मैंने कहा कि जो हमारे लोग गांवों गांव में जाकर के सब्जी बेचते हैं, कि नौजवान बेचारे रोटी रोजी के लिए, तो कुछ ना करो तो कम से कम उनको एयर कंडीशन गाड़ियां दो, उनके टेम्पो एयर कंडीशन होने चाहिए, ताकि एक जगह से वो सब्जी उठाएं और दूसरी जगह बेचें तो कम से कम वो सब्जी जो है वो जल्दी से ख़राब ना हो, और जिस काम में वो जाएं उसी वक्त टेम्पो का खड़ा करें, अपनी सब्जी वहाँ बेचें और उस वक्त जो है वो टेम्पो को बंद कर दें, और एयर कंडीशन गाड़ी में आपका जो है वो अंडे जा सकते हैं, मीट जा सकता है, दूध जा सकता है, आपके खाने की चीज़ें जा सकती हैं। तो ऐसी पद्धति अपनाइए जिससे कि कुछ नौजवान जो हैं वो अपना रोज़गार भी पैदा कर सकें। मैं क्या हम जो है वो उस कार्यक्रम को आगे लेकर के लोग बच्चों के पास जाना चाहिए कि इस कार्यक्रम का जी आप लोग आ गए। इसी तरह से हमारे जो एयर कंडीशन्स जो हमारे बहुत से कोल्ड स्टोर हैं वो दूर दूर हैं, और हमारे पास जब फसल इतनी ज़्यादा हो जाती है कि जब मंडी में हम लेके जाते हैं तो उसकी हमें कीमत जो है वो ठीक नहीं मिलती। 1-1 करोड़ रुपया, मैं क्या 2 करोड़ तक आप लोन कर सकते हो नौजवानों को, कोई नौजवान जो है वो अपना कोल्ड स्टोर खोल सकता है। और जब कई चीज़ें ऐसी हैं जो हम जब मार्केट में जाते हैं तो हमें जो है वो जितना खर्चा किया होता है उससे भी कम हमें जो है वो पैदावार जो है उसका जो है पैसा मिलता है, तो कम से कम उन कोल्ड स्टोर में जैसे आलू हैं, और जब ये ज़्यादा पैदा हो जाता है तो अपने नौजवानों के प्राइवेट जो है वो कोल्ड स्टोर होने चाहिए, जिससे वो आलू रख सकता है, सेब रख सकता है, नाशपाती रख सकता है, और कोई फसल रख सकता है, जब मार्केट में ठीक भाव उसको मिल सकते हैं तो वहाँ उसको जो है वो बेच सकता है। अब प्राइवेट लाले वगैरह जो है इस काम को ले रहे हैं, लेकिन नौजवान जो है वो इन कामों के लिए आगे नहीं आ रहे। उसी तरह से मैंने कहा फूलों की खेती है,
अगर आपके पास एयर कंडीशन गाड़ियाँ हैं, एयर कंडीशन फैन है, जो फूल आप तैयार करते हो उसकी मार्केट जो है वो आप दिल्ली जा सकते हो, चंडीगढ़ ले जा सकते हो, ताकि वो फूल जो है वो ख़राब ना हो। तो काम करने के लिए, अगर काम करना है तो बहुत सी चीज़ें जो हैं वो हमारे नौजवानों को काम धंधे के लिए पैसा जो है मिल सकता है, और उसके ब्याज जो है वो बड़ा 4 और 6% ब्याज के ऊपर, कोई भी, मैंने 50 लाख रुपया 4% ब्याज के ऊपर लिया हुआ है काम धंधा करने के लिए। तो मतलब इसलिए इन नौजवानों को, जिसने रोटी रोजी कमानी है, जिन्हें गप्पा ही अकड़ी है ना। सिटी चैनल के लिए बिलासपुर से सुभाष की रिपोर्ट।